मेरा नाम अनीश कुमार झा, मैं पैनासोनिक पटना से हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्मार्ट टीवी से एक एंड्रॉयड टीवी कैसे बेहतर है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में क्या एक्चुअल डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है एंड्रॉयड टीवी में। ठीक है, तो जैसे ये सर पैनासोनिक का आपका एंड्रॉयड टीवी है, ठीक है, इस टीवी की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होते। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो स्मार्ट टीवी में आपको लिमिटेड ऐप्स मिलता है, बट जब आप एंड्रॉयड टीवी के देखते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल का प्ले स्टोर मिल जाता है, जहाँ से आप 7000 से ज़्यादा इंटरटेनमेंट और गेमिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर प्ले स्टोर खोलता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी फीचर्ड ऐप्स हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस हैं, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, गूगल डुओ हो गया, VLC हो गया, ये इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐप हो गए। गेमिंग का बात करेंगे तो गेमिंग के लिए आपको अलग से रिकमेंडेशंस देगा कि आप कौन सा गेम आप इसमें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। गेम खेलने के लिए इसमें आप अलग से टच पैड या गेम पैड अटैच करके भी आप अपना गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का ही फीचर मिल जाता है। गूगल असिस्टेंट में आप अपने टीवी को अपने वॉइस कमांड पे ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो टीवी के अंदर एप्लीकेशन है उसको आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट करके उसमें अपने फेवरेट सॉन्ग्स हो गए, फेवरेट कंटेंट्स हो गए, उनको आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर मैं कमांड देता हूँ यहाँ वॉल्यूम 100, तो जैसे ही मैंने कमांड दिया टीवी का वॉल्यूम आपका 100 हो गया। अब मुझे इस वॉल्यूम को करना है 50, वॉल्यूम 50। ऑलराइट, तो ये ऑटो मोड में आपका वॉल्यूम 50 हो गया। तो हम इंटरनल सेटिंग्स के साथ साथ इसके इनबिल्ट एप्लीकेशंस को भी आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, आपको हर चीज बटन के थ्रू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा बात करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है, साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको गूगल का प्ले स्टोर मिल जाता है। ठीक है, और इन केस अगर आपने जो आपका फ़ोन में आपने जो जीमेल आईडी रखा है और वही जीमेल आईडी अगर आप अपने टीवी में डालते हैं, तो गूगल डुओ एप्लीकेशन के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंक हो जाता है, वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको इस टीवी में भी दिखने लगेंगे। उसके बाद आप उसके इसमें अगर कैमरा अटैच कर लेते हैं तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं टीवी के थ्रू। थैंक यू।